अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि कैनन कैमरा का लेना है या फिर निकॉन का लेना है। तो कैनन वर्सेस निकॉन, ये तो बहुत ढेर सालों से डिबेट चल रहा है कि कौन सा अच्छा वाला है। देखिए, ये है कैनन का कैनन 80D है, ये तो बेसिक मॉडल है निकॉन D3200। बट इन मॉडल से ज़्यादा एक्चुअली इमेज क्वालिटी कौन सा है एंड एक्चुअली कौन सा आपको लेना है इन दोनों कैमरा में से, एंड क्यों इतना डिबेट बनते हैं कि निकॉन वर्सेस कैनन ऑलवेज, कौन सा DSLR कैमरा आपको लेना चाहिए, तो फुल वीडियो को देखिए एंड तक, आपको एक ज़रूर क्लैरिटी मिलेगा कि आपको कैनन लेना है या फिर निकॉन में इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट दैट लाइक बटन। ऐसे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो शेयर करेंगे तो ज़रूर हेल्प होगा हमारे चैनल को। तो सबसे पहला टॉपिक में कैनन वर्सेस निकॉन में हम ये जानेंगे कि आपका एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, सबसे पहले आप अपने रिक्वायरमेंट को डिसाइड करना है आपको कि फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा किड्स का पिक्चर्स लेते हैं DSLR कैमरा से, या फिर एडल्ट्स का पिक्चर लेते हैं, या फिर आप लैंडस्केप का पिक्चर्स लेते हैं, या फिर आप दोनों वीडियो एज वेल एज पिक्चर्स करते हैं, या फिर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिर्फ वीडियो निकालने के लिए। तो ऐसे आप डिटरमिन कीजिए, क्लैरिटी बनाइए अपने माइंड में कि आपको क्या करना है इस कैमरा से। अगर ऐसे ही जनरली अगर हम बात करते हैं अपने फ्रेंड से तो बोलते हैं एक बेस्ट ऑलराउंडर सजेस्ट करना है। तो बेस्ट ऑलराउंडर ऐसा नहीं होता है कि हाँ मैंने कह दिया कि कैनन का एक 1300D ले लो बस, इसमें सारा अच्छा आ जाता है, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले आपको क्लियरली एक डिसाइड कीजिए कि मेजॉरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कैमरा से पिक्चर्स निकालते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं। तो फर्स्ट आपने अभी डिसाइड कर लिया है कि आपको सिर्फ पिक्चर्स निकालना है, कैसे भी पिक्चर्स हो, कैसे भी इमेजेस हो, अपने घर का हो या फिर बाहर का हो, लैंडस्केप का हो, ट्रैवल कर रहे हैं आप ऐसे वाले पिक्चर्स ले रहे हैं, या फिर आप इवन कोई वेडिंग का ले रहे हैं पिक्चर्स, तो पिक्चर्स और इमेजेस अगर ये वाला आप ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम करते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू इन्वेस्ट इन अ निकॉन कैमरा। जी हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे अरे भाई कैनन में तो बहुत सारा अच्छा आता है, कैनन में भी बहुत सारा अच्छा इमेज क्वालिटी आता है, इमेज का पिक्चर जो कलर साइंस कहते हैं हम, कलर साइंस यानी जैसे हम क्लिक करते हैं तो पिक्चर में कलर्स कैसा दिखता है उसको कलर साइंस कहते हैं। अलग अलग कैमरास, अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स, अलग अलग कलर साइंस रहता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम वैसे लिखे रहते हैं, इमेज सेंसर में जो सॉफ्टवेयर लिखे रहते हैं जैसे उनको चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी कैनन वाले डिसाइड करते हैं कि एक ग्रीन कलर वाला ऐसा दिखना चाहिए, क्योंकि ग्रीन कलर का पैलेट अगर आप लेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइटेस्ट ग्रीन टू डार्केस्ट ग्रीन, अगर आप अपने घर के लिए पेंट बनाने के लिए जाते हैं, कैटलॉग पूछते हैं कलर्स का, तो तब वो दिखाते हैं ना अलग अलग वेरिएशंस इन कलर्स, वैसा ही इस कलर्स कलर साइंस में भी ऐसा ही होता है कैमरास अगर आप ले रहे हैं तो वैसे वो डिसाइड करके अगर ग्रीन हमारे कैमरा में से आ रहा है कलर तो ऐसा ही ग्रीन दिखना चाहिए करके वो डिसाइड करके उनके जो भी प्रोसेसिंग जो भी एल्गोरिदम रहता है उसमें वैसे सॉफ्टवेयर लिखे रहते हैं। तो इसके वजह से कई लोगों को निकॉन में जो कलर दिखता है वो अच्छा लगता है, कई लोगों को कैनन में जो कलर दिखता है वो वाला अच्छा लगता है। मेरे रिकमेंडेशन पूछेंगे तो अगर आप इमेजेस, सिर्फ इमेजेस कैप्चर करना चाहते हैं एंड शार्प इमेजेस चाहिए एवरी सिंगल टाइम तो आप निकॉन में बेहिचक इन्वेस्ट कीजिएगा। ओके, देन कैनन कैसा है फिर इमेज क्वालिटी में? सी, कैनन मैं अगर प्रिफर करूँ तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन ऑलराउंडर, देखिए अभी वीडियोस भी निकालते हैं आप कई बार एंड उसके साथ आप इमेजेस भी क्लिक करना चाहते हैं एंड एक अच्छा इमेज क्वालिटी भी चाहिए अगर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कह रहा हूँ देन यू कैन पिक ए कैनन। अभी फीचर्स, बटन्स, ये सारे चीज़ तो बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट 1 लाख रुपीज़ है तो कैनन का 6D Mark II आप देख सकते हैं, 7D Mark II आप देख सकते हैं, वो तो एक फुल फ्रेम है, उसमें एक APS-C का कैमरा है, अलग अलग ऐसे मॉडल्स देखते हैं। अगर आपका बजट स्टार्टिंग बायर है 20-25,000 रुपीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निकॉन हो या कैनन का हो लगभग सिमिलर फीचर्स मिलता है, लेकिन निकॉन में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि इसमें आपको बिल्कुल जो स्क्रीन है वो फ्लिप का स्क्रीन ऐसे बजट में बिल्कुल नहीं मिलता है, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग। तो सिर्फ आप एक फिक्स्ड स्क्रीन पर डिपेंड होना पड़ता है, तो इसके वजह से क्या होता है कहीं भी कई सारे सिचुएशन में, मान लीजिए अगर मैं ऐसे पिक्चर्स ले रहा हूँ तो इस LCD स्क्रीन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तब क्या होगा आपको कुछ भी
फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा, तो इसके वजह से आप एक फिक्स्ड जो LCD स्क्रीन है उसके ऊपर ही डिपेंड करके आपको अलग अलग एंगल से ट्राई करने के लिए अच्छी तरह से नहीं मिलेगा। तो ये वाला एक थोड़ा डिसएडवांटेज मैं कह सकता हूँ। अगर वहीं आप कैनन का लेंगे तो इवन बजट प्राइसेस में भी फ्लिप आउट स्क्रीन ऐसे आता है, तो ऐसे स्क्रीन देखकर आप कहीं भी साइड में ऐसे घुमा सकते हैं, अलग अलग ऐसे डायरेक्शंस पर पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। देखिए मैं अगर ऐसे रखता हूँ तो भी मुझे स्क्रीन पर दिखाई देगा कि कैसे इमेज आने वाला है। तो ऐसे एडवांटेज बहुत सारा है कैनन कैमरास में। तो इसके वजह से मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि पहले आप डिसाइड कीजिए कि अपना बजट क्या है एंड आप क्या करना चाहते हैं अपने कैमरा से, तो उसके बेसिस पर जाकर आप इन्वेस्ट कीजिएगा एंड उसके बेसिस पर आप मॉडल्स को चॉइस कीजिएगा। तो इसमें और डिफरेंस क्या हो सकता है निकॉन वर्सेस कैनन में, लेंस वेरिएशंस क्या है? देखिए कैनन एंड निकॉन हैव बीन फॉर एजेस, बहुत सारे सालों से वो है। आप कैनन लीजिए या फिर निकॉन में इन्वेस्ट कीजिएगा, लेंसेस तो आपको अच्छी तरह से मिलेंगे ही। तो लेंसेस के रिलेटेड आप वरी मत कीजिए, आप देखिए कि ज़्यादा आप वीडियोस बनाते हैं या फिर इमेजेस कैप्चर करते हैं। एक निकॉन में एडवांटेज ये है कि इनका जो इमेज क्वालिटी रहता है, आप कोई भी मॉडल लीजिए ऑलमोस्ट निकॉन का, उनका जो इमेज क्वालिटी रहता है बहुत ही अच्छा रहता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वो इमेज सेंसर एंड अलॉन्ग विद द लेंस आप जो भी रखेंगे वो आपको बेहतरीन इमेज क्वालिटी ज़रूर देगा। तो ऐसे सिंक अच्छा होता है निकॉन कैमरास एंड उनका लेंसेस, वैसे ही कैनन में भी होता है, लेकिन थोड़ा कैनन का जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम है थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड मैं कहूँगा। थोड़ा इमेजेस अगर आप जूम करके देखेंगे तो मैंने ऐसे मेरे प्रोफेशनल कैरियर में बहुत सारा वेरिएशंस देखा हूँ कैनन वर्सेस निकॉन में, तो इसके वजह से मैं आपको एक क्लियरली डिसीजन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे फेवर है एक निकॉन से या फिर कोई कैनन ब्रांड से, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स भी यूज़ किया हूँ, लेकिन आज का टॉपिक क्योंकि मैंने कैनन वर्सेस निकॉन का चॉइस किया है, तो इन दोनों में से देखिए, जैसे कि मैंने कहा निकॉन का इमेज क्वालिटी यूजुअली वेरी शार्प रहता है एज़ कम्पेयर टू कैनन। देन निकॉन में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप वीडियोस लेना चाहते हैं निकॉन कैमरा से तो आप बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट में रहेंगे, क्योंकि इसका जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। आप कई बार कह सकते हैं बेटर देन द कैनन्स वीडियो क्वालिटी, जो बिटरेट रहता है एंड इवन जैसे वीडियोस जो क्वालिटी जो पिक्चर आता है वो बहुत ही अच्छा दिखता है निकॉन में। लेकिन इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आज तक वो कौन सा भी मॉडल में सॉल्व नहीं कर पाए हैं, वो है कि इनका ऑटो फोकस। कैनन का ऑटो फोकस आप कंपेयर करेंगे निकॉन से तो कैनन, देखिए कैनन यहाँ पर है लेवल एंड निकॉन का लेवल यहाँ पर है, तो ये वाला एक बहुत ही डिफरेंस है ऑटो फोकसिंग सिस्टम में, वो भी वीडियो में, नॉट इन इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी में देखिए सिर्फ अगर आप पिक्चर्स कैप्चर कर रहे हैं तो दोनों लगभग आपको ऑटो फोकसिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका बजट एंड कौन सा मॉडल चॉइस कर रहे हैं। थोड़ा यहाँ वहाँ थोड़ा बेटर होगा, कुछ निकॉन में कुछ कैनन में आपको बेटर मिल सकता है ऑटो फोकसिंग सिस्टम, बट अदर देन दैट इन जनरल अगर आप वीडियोस ले रहे हैं तो ऑटो फोकसिंग सिस्टम कुछ भी अच्छा नहीं, थोड़ा भी अच्छा नहीं निकॉन में। कैनन में उसका अपोजिट है, बहुत ही बढ़िया जो ड्यूअल पिक्सल सिस्टम उन्होंने बनाया है वो आज तक उसको किसी ने भी बीट नहीं कर पाया है। हालांकि थोड़ा क्लोज आया है सोनी हो या फिर पैनासोनिक का हो, वो सारे थोड़ा वहाँ तक लेवल तक पहुँचे हैं, लेकिन बिल्कुल इसको बीट नहीं कर पाया है कैनन सिस्टम को। तो इसके वजह से आई वुड रिकमेंड इफ़ यू आर लुकिंग टू बाई अ कैमरा फॉर वीडियो पर्पस, देन आपको चॉइस करना है कैनन का। अगर आप इमेज क्वालिटी या फिर इमेज सिर्फ पिक्चर्स निकालने के लिए देख रहे हैं तो आई वुड पिक दी निकॉन वन। तो ये ब्रीफ वीडियो बहुत सारा लंबा हो सकता है अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ तो। अगर आप वैसे भी चाहते हैं वीडियो तो लाइक कीजिए एंड बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं। तो एक जनरल वीडियो था कैनन वर्सेस निकॉन का एंड आपको कौन सा लेना है। होपफुली आपको क्लैरिटी आया होगा कि मन में कि अभी आप जाकर कैनन पर इन्वेस्ट करना है या फिर निकॉन पर। फिर से मैं कहूँगा जनरली अगर आप इमेजेस लेना चाहते हैं तो बाय निकॉन, एंड अगर आप ओवरऑल ऑलराउंडर देखना चाहते हैं एंड सिर्फ वीडियो भी निकालना चाहते हैं, इन दोनों में से आपको चॉइस करना है कैनन सिस्टम का। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर है तो लाइक करना ना भूले, शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।